नारायण 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 श्रीमद् भागवत चतुर्थः स्कंधः अथ पञ्चदशोऽध्यायः पंद्रहवां अध्याय महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वैन की भुजाओं का मंथन किया, तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मवादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख और उसे भगवान का अंश जान बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायिनी कभी अलग न होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का कथन विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा, राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख तुरई मृदंग और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। समस्त देवता ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्त रेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देखकर उन्हें श्री हरि का ही अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी समुद्र पर्वत सर्प गौ पक्षी मृग स्वर्ग पृथ्वी तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। वीर विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया था तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया जिससे निरंतर जल की कुहियां झरती रहती थीं। वायु ने दो चमर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, त्वष्टा विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सिंगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी देव देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने गाने बजाने और अंतर ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए
बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदी जन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज ऋतु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। ऋतु ने कहा, सौम्य, सूत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति करो। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं, तब भर पेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो, श्रेष्ठ पुरुष पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा अपनी स्तुति कराएगा? यदि वह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। वह मंद मति यह नहीं समझता, इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। श्रोत गण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जैसे कि प्रशंसा की जा सके। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करावें? नारायण 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 नारायण।